Hello students, as you have seen on the board, today we will do our next topic, that is point 2 in our book. हमारी book का जो second point है हम उसको करेंगे, और ये second point है the making of the nationalism in Europe. The making of the nationalism in Europe को हम discuss करेंगे. Second point है, topic है हमारे book का ये. इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पहले यूरोप के बारे में बताया है कि यूरोप जो है, there was no nation state at that time. As you have seen, Germany, Italy, Austria, there are several nation state available, or you can see in our in the Europe. But at that time, we are talking about the 18th, 19th century. At that time, there was no nation state. कोई nation state, एक संगठित राष्ट्र जो आज जर्मनी आप कह रहे हैं, इटली कह रहे हैं, ऐसे कोई भी राष्ट्र वहां पर स्थापित नहीं था. Next है कि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वगैरह जो थे उस समय, जिसे आज आप यूरोपियन कंट्री के रूप में जानते हैं, दे वर डिवाइडेड इनटू किंग सेवरल किंगडम्स. वो छोटे छोटे किंगडम्स में बटे हुए थे और रूल्ड बाय डचेस, और ये शासन, इन पर शासन हो रहा था डचेस का. डचेस, डच कम्युनिटी यहाँ शासन कर रही थी. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि देवर नो नेशन स्टेट, नेशन स्टेट तो थे ही नहीं. और जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जो आज एक संगठित राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं, उन पर डचेस और कैंटोन्स जो है वो शासन कर रहे थे. देवर ऑटोनोमस. ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वतंत्र. स्वतंत्र, जो कोई भी रोक टोक नहीं मानते, जिनके ऊपर कोई भी जो है वो बाधा, कोई भी रुकावट, कोई भी जो पाबंदी नहीं होती. देवर रूल, देवर ऑटोनोमस रूलर. और हैम्सबर्ग का इसमें एग्जाम्पल दिया है, सेकेंड पॉइंट का, जो बिल्कुल स्टार्टिंग का आपकी बुक में सेकेंड टॉपिक, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें ये बताया गया है कि हैम्सबर्ग का एग्जाम्पल दिया. हैम्सबर्ग एम्पायर जो था, रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी. वो ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन करा था. डचेस जो है वो जर्मनी, इटली वगैरह, स्विट्जरलैंड वगैरह जो डिवाइडेड पार्ट थे, उन पर शासन कर रहे थे. वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे. देर वर नॉट ए कॉमन लैंग्वेज. दे वर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलोइंग डिफरेंट ट्रेडिशंस, वैल्यूज एज वेल एज कल्चर. कॉमन, दे वर नॉट हैविंग कॉमन कल्चर. तो इसमें आपको बिल्कुल वेरी स्टार्टिंग, आपको मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म में यूरोप में यही बताया गया है कि पीपल एट दैट टाइम वर नॉट यूनाइटेड एज अ नेशन स्टेट, और कंट्रीज वर नॉट नोन एज अ नेशन स्टेट एट दैट टाइम. और इस तरह से छोटे छोटे किंगडम्स में बटे हुए थे. इसके बाद में आपको और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं. तो इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे अब कि क्या सिस्टम था फिर वहां पर. सो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हम देखेंगे कि जैसे कि आपने पढ़ा कि कंट्रीज वर नॉट यूनाइटेड, कंट्री वर नॉट कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज नाउ एज दे वर, दे हैव सीन एज अ नेशन स्टेट, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड एटसेट्रा, दे वर नॉट नोन एज नेशन स्टेट. तो हाउ डिड दिस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एमर्ज, कैसे फिर इस आइडिया की शुरुआत हुई, कहाँ से ये नेशनलिज्म का विचार आया और कैसे नेशन स्टेट का विचार आया. इसके लिए बेटा हम जानते हैं पहले दो बातों के बारे में कि एक तो एरिस्टोक्रेसी थी वहां पर. एरिस्टोक्रेसी मीन्स बड़े बड़े अमीर घरानों का कंट्रोल था शासन में. और राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, ये दो बातों के बारे में हमें जानना है. एरिस्टोक्रेसी का आप पढ़ेंगे कि एरिस्टोक्रेसी द रिच क्लास दैट डोमिनेटेड इन द ओवर ऑल ओवर यूरोप. पूरे यूरोप में जो ये अमीर वर्ग था, जिसे हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, ये पूरे यूरोप में डोमिनेटेड था. यूरोपियन कंट्रीज में उस समय डोमिनेटेड था. और ये ना केवल डोमिनेटेड था, इन्होंने एक स्पेशल जो है तरीका अपनाया हुआ था. देवर यूनाइटेड देमसेल्फ विद डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस, जैसे कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से आपस में एक परिवार से दूसरे परिवार में ये शादियां करते थे. न सिर्फ केवल शादियां करते थे, बल्कि जो है वो एक स्पेशल तौर तरीका अपनाते थे, अपना जो है ड्रेसिंग सेंस इनकी, और इनका फ्रेंच लैंग्वेज ही अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए बोलते थे, अपनी 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 जो है सुपीरियर लैंग्वेज का प्रयोग करते थे. तो ये एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम था. इसी के साथ साथ एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम जो है पूरे यूरोप में एक अपना दबदबा, डोमिनेशन बनाए हुए था.
और इसी के साथ साथ जो है क्या था कि ये जो अरिस्टोक्रेट्स थे, दे वर इन वेरी लेस नंबर, ये बहुत कम संख्या में थे। क्या हुआ कि टोटल पॉपुलेशन 100% पॉपुलेशन में से 5% या 10% ये लोग थे, दे वर ओनली इन 5 और 10%, बट दे कंट्रोल लार्ज पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, जैसा कि आपने फ्रांस की क्रांति में भी पढ़ा था। तो इसी तरीके से ज्यादातर जनसंख्या का हिस्सा कौन था? पीजेंट्स। पीजेंट्स दे डू प्रोडक्शन एंड दे वर नॉट हैविंग कंट्रोल ओवर देयर लैंड, दे वर नॉट इन गुड कंडीशन। ये जो है उस समय के यूरोप की, पूरे यूरोप की, न केवल एक पर्टिकुलर एरिया की हम बात कर रहे हैं, पूरे यूरोप की ये स्थिति थी कि अरिस्टोक्रेट्स थे जिन्होंने अपने तौर तरीकों से अपने आप को डोमिनेंट क्लास बनाया हुआ था, और मिडिल क्लास, सॉरी, जो ज्यादातर तबका था वो था किसका? वो था पीजेंट्स का। इसी के साथ साथ क्या था कि कुछ एक वर्ग था जो बाजार के लिए प्रोडक्शन कर रहा था, दे डू प्रोडक्शन फॉर द मार्केट सेलिंग पर्पस। और इसी तरीके से इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो जर्मनी और इटली और स्विट्जरलैंड की हम बात करें, वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत लेट आया एज कंपेयर टू इंग्लैंड। इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में आया, पर इन द लास्ट ऑफ 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन केम इन जर्मनी और इटली एंड अदर पार्ट ऑफ यूरोप, फ्रांस वगैरह की हम बात करें। तो इस तरीके से क्या था कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ कि एक तो अरिस्टोक्रेट्स, एक पुअर पीजेंट्स, इनके बीच में एक नया वर्ग, नया एक जाति उत्पन्न हुई, दैट वाज मिडिल क्लास। तो व्हाट वाज द रीजन ऑफ द राइज ऑफ मिडिल क्लास? दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण एक नई जाति का उदय हुआ जिसे मिडिल क्लास कहा जाता है। इस मिडिल क्लास में कौन लोग थे? इस मिडिल क्लास में बेटा थे कौन कौन? इंडस्ट्रियलिस्ट, इसके साथ साथ ट्रेडर्स के साथ साथ जो है आपके एजुकेटेड क्लास के, जो पढ़े लिखे थे, जो एजुकेटेड थे, वो देख रहे थे कि एरिस्टोक्रेसी के कंट्रोल में सारा कुछ है, और इस तरीके से एरिस्टोक्रेसी के कंट्रोल में सब कुछ है, और उनका एरिस्टोक्रेसी कंट्रोल को उन्हें खत्म करना है, और इसीलिए वो एजुकेटेड थे, देवर अवेयर अबाउट देयर राइट। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद राइट सबको समझ में आने लगे थे ऑब्वियस। तो ये जो अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी पर्सन थे, देवर अवेयर एंड देवर डिमांडिंग फॉर इक्वालिटी, फ्रीडम एंड राइट, एंड एज यू नो दे बिकम नेशनलिस्ट की, राष्ट्रभक्तों की शुरुआत इन्हीं में से हुई, मिडिल क्लास में से ही राष्ट्रभक्त, राष्ट्र का निर्माण करने वाले या नेशनलिस्ट जाति का उदय हुआ। तो ये हमारे यूरोप में दो ट्रेडिशन आप देख रहे हैं कि दो तरह की जो है अरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास, दो तरह के वर्ग पाए जाते थे जिनके कारण पूरे यूरोप में क्रांति या कह सकते हैं चेंजेस आए। सो ये जो नेशनलिस्ट, मिडिल क्लास से जो नेशनलिस्ट निकले, इनको हम कहने लगे लिबरल नेशनलिस्ट, देवर नोन एज लिबरल नेशनलिस्ट या लिबरल नेशनलिज्म। नेशनलिज्म को एक नया रूप हम कह सकते हैं, नेशनलिज्म का जो रूप सामने आया, दैट वाज नोन एज लिबरल नेशनलिज्म। तो यहाँ पर हम यही पढ़ेंगे 2.2 में, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो सबसे पहले हम लिबरल को ही समझ लेते हैं, लिबरल से हमारा क्या अभिप्राय है। लिबरल जो है, लिबर वर्ड से, लेटिन भाषा के लिबर वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है फ्री, आजाद। तो लिबरल नेशनलिज्म जो है वो जिसमें लिबरल नेशनलिज्म में लिबर वर्ड अगर देखें तो लिबर का मतलब है कि 19th सेंचुरी यूरोप में लेटिन भाषा में लिबर वर्ड से इसका जन्म हुआ है। रूट इसका कहाँ है, जन्म कहाँ से हुआ? लिबर वर्ड से, जिसका मतलब होता है फ्री। और इस तरीके से क्या था कि ये जो मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास थी, लिबरलिज्म उसके लिए मतलब था फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल। यहाँ लिबरलिज्म का मतलब, जो मिडिल क्लास हमने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ी कि मिडिल क्लास का उदय हुआ, वो मिडिल क्लास, उसके लिए लिबरल का मतलब क्या था कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, हर किसी को आजादी, स्वतंत्रता मिले। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल उनका मतलब था इक्वालिटी फॉर ऑल। तो इनका लिबरल नेशनलिज्म जो हम कह रहे हैं, तो यहाँ आपको लिबरल का मतलब समझ में आया, मतलब फ्री, मीन्स दे वर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल और इक्वालिटी। इनके विचारों को, इनके नेशनलिज्म को हम तीन भागों में बांट कर पढ़ते हैं, पॉलिटिकल,
सोशल एंड इकोनॉमिकल व्यूज ऑफ लिबरल। पॉलिटिकल व्यू क्या था उनका? पॉलिटिकल होता है राजनीतिक, जैसा कि आप समझते हैं राजनीतिक, यानी शासन संबंधी इनकी क्या डिमांड थी, व्हाट दे वर आस्किंग अबाउट द रूल ऑफ द कंट्री। तो लिबरल नेशनलिस्ट जो थे, जो कि मिडिल क्लास से निकल कर आए थे, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, दे वर आस्किंग द फ्रीडम इन थ्री वेज, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। तो क्या था उनका मतलब? पॉलिटिकली दे वॉन्ट, दे एम्फसिस द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी गवर्नमेंट ऐसी हो, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, दे वर आस्किंग फॉर दैट, कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट मतलब राजा महाराजाओं की सरकार ना हो, हेरिडिटरी बेस्ड गवर्नमेंट ना हो, राजा के अलावा पिता के बाद पुत्र ना हो, शासन बाय कंसेंट, कंसेंट मतलब सहमति से बने, लोगों की सहमति से सरकार बने। पॉलिटिकली दे वांट के ऐसी सरकार हो जो सबकी सहमति से, जिसमें सबकी साझेदारी हो। और इकोनॉमिक, पॉलिटिकली उनका मतलब था यही, सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस। तो जब से फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी तब से ये लिबरल नेशनलिस्ट जो हैं वो क्या डिमांड कर रहे थे कि एक तो एरिस्टोक्रेसी, एक तो मोनार्कियल सिस्टम को खत्म किया जाए, और दूसरा ये जो है जो प्रिविलेज बेस्ड बाय बर्थ है वो भी खत्म किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव यानी संविधान के द्वारा शासन हो, संविधान, लिखित संविधान हो जो शासन करे। तो ये इनका पॉलिटिकल मीनिंग था। और सोशली दे वॉन्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सबको समान समझा जाए, सबके पास प्रॉपर्टी का राइट हो। इकोनॉमिकली दे वॉन्ट फ्रीडम, दे वॉन्ट फ्रीडम ऑफ मार्केट, इकोनॉमिकली दे वॉन्ट फ्रीडम ऑफ मार्केट। यहाँ बेटा तीनों ये क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल व्यू ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल लिबरल नेशनलिज्म, ये इस क्वेश्चन बनता है। पॉलिटिकली मैंने आपको बताया दे स्टैंड फॉर द गवर्नमेंट बाय कंसेंट और एंड ऑफ मोनार्की, दिस वॉज द मेन डिमांड ऑफ दैम। And socially they want equality and economically they want freedom, no restriction on the market, कि सरकार की मार्केट में कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई कानून दखल अंदाजी ना हो, कंप्लीटली फ्री हो। अब इसको मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि देखिए क्या था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए बहुत ज्यादा ड्यूटी, टैक्स, चुंगी कर देने पड़ते थे। अब आपको जो है वो एक एरिया से दूसरे एरिया में, अपने राज्य से दिल्ली जाना हो, दिल्ली से पंजाब जाना हो, तो आपको दिक्कत आएगी अगर हर राज्य का करेंसी चेंज हो जाए, हर जगह जो है वो वेट और मेजर सिस्टम चेंज हो जाए। तो जो ये आप ये थी नेशनलिस्ट, लिबरल नेशनलिस्ट, ये कौन थे? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास कौन थी? वो थे बिजनेसमैन, ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट। तो उनको दिक्कत आती थी अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पर बेचने में, मार्केट तक पहुंचने में। तो दे वॉन्ट फ्रीडम ऑफ मार्केट, कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है अलग अलग करेंसी की, अलग अलग टैक्सेस की, ये खत्म हो जाए। इसके लिए उन्होंने डिमांड उठाई, दे वॉन्ट फ्रीडम ऑफ मार्केट। अब इसी के लिए जो है एक संस्था बनी जिसे हम ज़ोवलरियन बोलते हैं। द नेम ऑफ दैट एसोसिएशन इज ज़ोवलरियन। ज़ोवलरियन दैट वाज फॉर्म्ड बाय द इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया। पर्शिया के इनिशिएटिव से, किसके इनिशिएटिव से? पर्शिया के इनिशिएटिव से, यस, पर्शिया के इनिशिएटिव से ये संस्था बनाई। पर्शिया एक जो है पार्ट था यूरोपियन कंट्री का, पर्शिया के जो है प्रयास से, शुरुआत से 1834 में, व्हेन इन 1834, तो 1834 में ये पर्शिया के प्रयास से जो जर्मन स्टेट 13 जर्मन के हिस्से थे, जर्मन राज्य के 39 कॉन्फेडरेशन थी, 39 पार्ट थे, उन 39 पार्ट में अलग अलग करेंसी थी और अलग अलग करेंसी में अलग अलग टैक्सेस थे, दे हैव टू पे दीज टैक्सेस एंड करेंसी वाज डिफरेंट। और ये तो था ही, साथ में वेइंग और मेजरिंग, माप तोल के जो तरीके हैं वो भी अलग अलग थे। तो इस तरीके से कि क्या हुआ, 1834 में ज़ोवलरियन नामक एक संस्था बनाई गई।
इस संस्था की शुरुआत किसने की? पर्शिया ने। और जर्मन जो कॉन्फेडरेशन था, जर्मन 39 स्टेट्स का जो एक ग्रुप था, उस कॉन्फेडरेशन में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो लोग, टैक्सेस देने पड़ रहे थे, करेंसी अलग अलग थी, इसमें इन्होंने पहली बार एक ऐसी संस्था बनाई कि करेंसी को 32 करेंसी थी उनको बटा करके 2 कर दिया, दे डिक्रीज द करेंसी फ्रॉम 32 to 2। और इस यूनियन ने सारे टैरिफ बैरियर, जो भी राज्यों में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए टैरिफ देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, वो सारे टैरिफ बैरियर हटा दिए, और इसी के साथ साथ उन्होंने जो है करेंसी 32 कर दी। और इसी तरीके से क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवे, इन्होंने अपने आने जाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए रेलवे भी बिछाई और रेलवे को भी बढ़ावा दिया। तो इस तरीके से अ वे ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिज्म सेंटीमेंट्स ग्रोइंग इन दैट एट दैट टाइम। तो इस तरीके से एक ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म बढ़ रहा था, इकोनॉमिकली आर्थिक तरीके से व्यापार के जरिए नेशनलिज्म को बढ़ावा मिल रहा था। देखिए ना, 39 करेंसी, 39 पार्ट्स को, कॉन्फेडरेशंस को एक सब इकट्ठा जोड़ दिया, व्यापार ने एक साथ जोड़ दिया, और ये कॉन्फेडरेशन एक साथ जुड़ने से 32 से 2 होने पर जो है वो एकता आई, ये चाहे आर्थिक स्तर पर आई पर शुरुआत हुई नेशनलिज्म, एक यूनिटी, एक नेशन, एक बढ़ने की तरफ कदम उठाया गया। तो यहाँ तक हम आज इसको करते हैं, नेक्स्ट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। आप इसे पढ़िए, समझिए, एंड इफ देर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट। थैंक यू।